वेल गाइस, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं क्रिप्टो मार्केट की। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो लगभग 4% से मार्केट में ऑलरेडी एक हमें स्पाइक देखने को मिल चुका है। बट अगर यहाँ पे हम बात करते हैं करंटली, तो मार्केट के अंदर कुछ बड़े बड़े न्यूज़ आ रहे हैं एंड इन न्यूज़ की वजह से कितना कुछ इफेक्ट पड़ सकता है मार्केट के ऊपर। क्या यहाँ से एक और हम यहाँ पर बाउंस बैक एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्रिप्टो मार्केट के अंदर? तो सारी की सारी जो मेन अपडेट हैं इस वीडियो के अंदर कवर करने वाला हूँ। तो अगर आपने क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट किया हुआ तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है। इस वीडियो के अंदर आपको जो बड़ी बड़ी न्यूज़ हैं जिनका मार्केट पे इफेक्ट पड़ सकता है, उन सारी की सारी अपडेट को इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। तो चलिए आज वीडियो शुरू करते हैं। बट उससे पहले अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर दें। एंड अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकते हो। क्रिप्टो के रिगार्डिंग अपडेट यहाँ पे आज मैं आपको देते रहता हूँ। एंड गाइज, इसी के साथ साथ अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर सकते हो। क्रिप्टो मार्केट में जो भी अर्जेंट अपडेट आती है जिन्हें मैं आपको वीडियो बना के नहीं बता पाता हूँ, वो सारी की सारी अपडेट आपको हमारे टेलीग्राम पर देखने को मिल जाती है। जैसी कोई बैड न्यूज आती है या फिर कोई वैसी गुड न्यूज आती है जो मुझे सबसे पहले ऑन द स्पॉट आपको प्रोवाइड करने होते हैं, तो आपको पता है वीडियो बनाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो इस वजह से ऐसी जो भी अर्जेंट अपडेट आती हैं आपको हमारे टेलीग्राम पर बिल्कुल फ्री में देखने को मिल जाती है। तो गाइज, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप इजीली एंट्री ले सकते हो। वेल गाइज, अगर यहाँ पे हम पहले अपडेट की बात करते हैं तो एक बहुत ही मेजर अपडेट हमें करंटली मार्केट में देखने को मिल रहा है। यहाँ पे गाइज आप देख सकते हो एल सेल्वाडोर बिगिंस बिटकॉइन माइनिंग ऑपरेशन यूजिंग जियोथर्मल एनर्जी फ्रॉम वोल्केनोज। तो गाइज, अगर यहाँ पे हम एल सेल्वाडोर की बात करते हैं तो आपको पता है एल सेल्वाडोर ने बीटीसी को एज ए लीगल टेंडर एक्सेप्ट किया है। एंड इसके बाद यहाँ पे आपको पता है जो पूरा क्रिप्टो मार्केट था उसकी प्रॉब्लम थी एनर्जी कंजप्शन। अगर यहाँ पे हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में इलेक्ट्रिसिटी का यूज होता है बीटीसी की माइनिंग में। बट अब यहाँ पे ईएल सेल्वाडोर के अंदर क्या हो रहा है कि कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज़ वहाँ पे क्रिएट की जा रही है ईएल सेल्वाडोर के द्वारा जो यहाँ पे जियोथर्मल एनर्जी होती है जो उसका यूज करके बीटीसी की माइनिंग करने वाली है। एंड अगर यहाँ पे हम जियोथर्मल एनर्जी की बात करते हैं तो जो हमारी अर्थ है उसके अंदर जो कुछ हीट होती है उसका यूज करके, मतलब जो भूतापीय ऊर्जा होती है उसका यूज करके बीटीसी की माइनिंग होने वाली है ईएल सेल्वाडोर में। एंड अगर ये यहाँ पर पॉसिबल होता है, कुछ जो टेक्नोलॉजीज़ हैं उनका मानना है कि यहाँ पे इजीली जो बीटीसी की माइनिंग है उसको जियोथर्मल एनर्जी से किया जा सकता है। तो गाइज, इस वजह से यहाँ पे एक बहुत बड़ा अपडेट हो सकता है अगर इस तरह से बीटीसी की माइनिंग होगी तो। जो एक मेन फंडा है जो बीटीसी को एंड ऑल ओवर क्रिप्टो करेंसी मार्केट को बार बार यहाँ पे डंप में डालता है, इसी वजह से कुछ बैड न्यूज़ भी आती हैं। लाइक अगर आपको पता होगा तो जो यहाँ पर इलोन मस्क थे उन्होंने भी टेस्ला से इसी वजह से बीटीसी को रिमूव किया था पेमेंट मेथड के रूप में से, कि वहाँ पे जो एनर्जी का कंजप्शन है बीटीसी माइनिंग में बहुत ज़्यादा होता है। बट अगर यहाँ पे जियोथर्मल से यूज होगा, जियोथर्मल एनर्जी से यहाँ पे बीटीसी की माइनिंग होगी, तो गाइज ये एक बहुत बड़ा अपडेट रहने वाला है एंड ये बुलिश न्यूज़ रहने वाली है, क्योंकि इसके बाद जो कंट्रीज हैं अडोप्ट करेंगी तेज़ी के साथ में बीटीसी को। तो ये एक बहुत ही मेजर अपडेट हमें ईएल सेल्वाडोर की तरफ से देखने को मिला है करंटली, कि जियोथर्मल एनर्जी से वहाँ पे बीटीसी की माइनिंग होने वाली शुरू। वेल गाइज, अगर यहाँ पे एक और मेजर अपडेट की बात करते हैं तो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हो बिटकॉइन विल बिकम करेंसी इन ब्राज़ील सून अकॉर्डिंग टू फेडरल डिप्टी ओरियो राइब्योरो। तो गाइज, अगर यहाँ पे हम बात करते हैं बिटकॉइन की, तो आपको पता है कुछ कंट्रीज ने लीगल टेंडर के रूप में एक्सेप्ट किया है एंड कुछ कंट्रीज के अंदर, इवन अगर यहाँ पे हम यूएस की बात करते हैं तो यूएस के अंदर भी कुछ ऐसे अपडेट आ रहे हैं कि जो यूएस है वो भी रेगुलेट करने वाला है बहुत ही जल्दी क्रिप्टो मार्केट को। तो यहाँ पर अगर करंटली बात करते तो जो ब्राज़ील है उसकी तरफ से रिसेंटली बहुत बड़े अपडेट देखने को मिले। यहाँ पर आप देख सकते हो 1 आवर अगो ये अपडेट आया है कि जो बिटकॉइन है उसको करेंसी के रूप में, जो एक करेंसी है ब्राज़ील की, वो बन जाएगी बीटीसी। यहाँ पे गाइज आप देख सकते हो बिटकॉइन विल बिकम करेंसी इन ब्राज़ील सून। एंड अगर वहाँ पे करेंसी बनती है ब्राज़ील के अंदर तो ये एक बहुत मेजर अपडेट रहने वाला है ऑल ओवर क्रिप्टो करेंसी मार्केट के लिए एंड बिटकॉइन के लिए, क्योंकि अगर ब्राज़ील के अंदर ये करेंसी के रूप में आता है तो फिर जो ब्राज़ील है इसको रेगुलेट करेगी। एंड अगर करेंसी के रूप में यूज होगा तो हर एक सिटीजन बीटीसी का यूज करके कुछ भी ऑल ओवर ब्राज़ील के अंदर, पूरे कंट्री के अंदर कुछ भी बाई कर सकता है। एंड इस वजह से जो यहाँ पे यूज केसेज हैं बीटीसी के बहुत ही तेज़ी के साथ में बूम करने वाला है। लाइक अगर यहाँ पर हम बात करते हैं कि जब हर एक सिटीजन यूज कर पाएगा हर एक चीज़ बाई करने के लिए, मतलब अगर उसको कुछ भी चाहिए तो वो बीटीसी पेमेंट कर पाएगा ब्राज़ील में, तो ये एक बहुत मेजर अपडेट रहने वाला है एंड इसका ऑल ओवर मार्केट में बहुत
बड़ा इफेक्ट हमें देखने को मिल सकता है अगले कुछ टाइम पीरियड के अंदर। एंड वेल गाइस, अगर यहाँ पे एक मेजर अपडेट की बात करें तो करंटली आप देख सकते हो जो BTC है, एक मेजर जो जोन था यहाँ पे $49,500 के आसपास, ये जो आप ब्लू वाली लाइन देख रहे हो इसको ब्रेकआउट करके ऊपर जा चुका है। एंड गाइस, ये एक बहुत मेजर अपडेट है अगर यहाँ पे सभी अल्ट कॉइंस की हम बात करते हैं तो। जब BTC $50,000 के आसपास में जाता है एंड उससे जब ये ऊपर जाने लगता है तो आपने देखा होगा हर बार जो यहाँ पे अल्ट कॉइंस है वो रैली में आ जाते हैं, मतलब उनके अंदर बहुत तगड़ा बूम देखने को मिलता है। एंड करंटली यहाँ पे आप देख सकते हो जो BTC की 4 आवर की 2 कंटिन्यूस कैंडल से आप देख सकते हो 49,000 जो 500 का एक जोन था, एक मेजर रेजिस्टेंस था जहाँ से रिजेक्शन मिल रहा था BTC को, उसको ब्रेकआउट करके काफ़ी ऊपर जा रहा है। तो गाइस, ये एक प्लस पॉइंट देखने को मिला है। बट अभी भी आपको BTC में और क्रिप्टो करेंसी मार्केट में थोड़ा बहुत यहाँ से डाउनफॉल देखने को मिल सकता है क्योंकि BTC काफ़ी ऊपर जा चुका है एंड वहाँ से थोड़ा बहुत करेक्शन आ सकता है। बट करंटली ये एक बहुत मेजर अपडेट है कि जो BTC है ऊपर जा रहा है, लाइक $50,000 के आसपास ये यहाँ पर टेस्ट कर रहा है। तो गाइस, ये कुछ इंपॉर्टेंट जो न्यूज़ थी वो भी मैंने क्लियर की है एंड जो ग्राफ था वो भी मैंने आपको बता दिया है। तो गाइस, ये वीडियो था, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं मिलता हूँ किसी अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में। टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बाय।